सेंटर कॉलेज एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा ये लिख दिया तो मान ज्ञात करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का। देखो इसको लिख दिया √3 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर ये आ गया 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट गया, ये आ गया √3 बराबर 3 cos थीटा। ये भाग में था इधर गुणा में चला गया, या cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा √3/3। लेकिन मुझे यहाँ से मान खाली cos थीटा का नहीं sin थीटा का भी चाहिए। देखो एक सूत्र है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 1 माइनस √3/3 का वर्ग, या 1 माइनस 3/9 √3 का वर्ग 3 और 3 का वर्ग 9 में से 9 कम 9 में से 3 गया 6/9। देखो ये तो आ गया मान cos थीटा का और ये हमारा आ गया sin स्क्वायर थीटा है, वैसे याद रखना यार ये। अब इसका भी ऐसे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, √3 का वर्ग 3 इसका 9, और मान किसका निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा कितना है 6/9 और cos स्क्वायर थीटा कितना है 3/9। अब हर समान है, 6 में से 3 गया 3 1/3 आंसर। देखो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा, cos थीटा बराबर 13/12, चाहे तो त्रिभुज बना के sin थीटा और cos थीटा के मान निकाल लेना, या एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं cos थीटा, वो sin थीटा, sin थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखो जैसे यहाँ से ले लिया sin थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2-3 cos/sin किसके हो गया cot थीटा, ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा sin थीटा कॉमन 4-9 cot थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब देखो cos थीटा दे रखा है ये, और सूत्र क्या होता है cot स्क्वायर थीटा बराबर 1+cosec² थीटा। इससे अपना cot स्क्वायर थीटा का cot का मान निकाल के आ रहा है।